22 साल बाद शाहरुख खान और सनी देओल आए एक मंच पर। गदर के सक्सेस पार्टी में पहुंचे शाहरुख खान ने हेटर्स की कर दी बोलती बंद। सनी देओल के लिए SRK ने बोली ये बड़ी बात। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा TV का। डर मूवी के बाद से ही शाहरुख खान और सनी देओल की दूरियां बढ़ने लगी और अब 22 साल बाद किंग खान सनी देओल के साथ नजर आए हैं। वेल, आपको बता दें इस बीच में बहुत सारी खबरें ऐसी रही हैं कि सनी देओल और शाहरुख खान एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इन दोनों के बीच में बड़ी जंग चल रही है। लेकिन गदर 2 के रिलीज होने के बाद से ही ये सारी जंग खत्म होती हुई नजर आई है। और सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट और चर्चा का विषय बने रहे वो थे किंग खान जब पहुंचे थे गौरी खान के साथ। फिलहाल आपको बता दें सनी देओल ने होस्ट किया है एक सक्सेस पार्टी जहां पर सनी देओल ने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को इन्वाइट किया था और इसी में से एक सबसे बड़ा इन्विटेशन था SRK और उनकी फैमिली को। ये पहला मौका है 22 साल के बाद जब सनी देओल और शाहरुख खान एक साथ मंच पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के किंग खान ने गदर 2 की सक्सेस पर सनी देओल की जमकर तारीफ की है और सनी पाजी के लिए किंग खान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि गदर 2 से सनी देओल का ऐसा बॉक्स ऑफिस पर वेलकम हुआ है कि जिस तरीके से बॉलीवुड जो तरस रही थी, पठान के बाद से कोई भी बड़ी हिट नहीं दी थी लेकिन सनी पाजी का करिश्मा एक बार फिर कायम हुआ है। 2002 के बाद एक बार फिर सनी देओल ने प्रूफ कर दिया है कि वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं और सनी देओल का कमबैक जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से किसी भी सुपरस्टार का कमबैक नहीं हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर मुंह तोड़ जवाब है शाहरुख खान के लिए और सनी देओल के हेटर्स के लिए, जो लोग लगातार हेट फैलाते आए हैं कि सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। अब किंग खान ने खुद ब खुद गदर 2 के सक्सेस पार्टी में पहुंच कर ये बात साफ कर दी है कि सनी देओल और शाहरुख खान का रिश्ता बिल्कुल साफ है और दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। फिर आपका क्या है ओपिनियन गदर 2 के सक्सेस पार्टी पर किंग खान और सनी देओल को एक साथ देख, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।